हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विदिशा सिंजन किचन में। तो आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू, जो बहुत ही खाने में लाजवाब स्वादिष्ट लगती है। इसे बड़े और बच्चों दोनों को ही बहुत पसंद आती है। इसे आप कोई भी ओकेशन पर बनाकर खा सकती हैं। तो हमारी रेसिपी आपको अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं रक्षाबंधन के उपलक्ष में बेसन के लड्डू। तो आज हम एक नए रेसिपी के साथ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए आए हैं नई रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और रक्षाबंधन आ रही है तो उसके लिए हम बेसन का लड्डू बनाएंगे। तो उसके लिए हमने लिया है 200 ग्राम बेसन। ये बेसन महीन है, बारीक है, एकदम महीन, मोटा बेसन नहीं मिल पाया, इसलिए हम यही बेसन लेंगे। और 300 ग्राम चीनी लिए हैं और इस कप से एक कप नारियल का बुरादा है, जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और इसी कप से आधा कप सूजी लिए हैं, सूजी भी बारीक वाला ही है, जिसे बेसन में डाल के हम फ्राई करेंगे, भून लेंगे अच्छे से। और 300 ग्राम घी लिया है। तो पहले सबसे पहले हम तगार बनाएंगे, जिससे हमारा बेसन का लड्डू दानेदार बने। तो उसके लिए हम चीनी डाल देते हैं, कढ़ाई रख दिए थे गैस पर, सॉरी बोलना भूल गए। इसमें हम इस कप से ज़्यादा नहीं डालना है, बस चीनी पिघले। और हम तगार बना रहे हैं तो इसका चौथाई भाग हम पानी यूज किए हैं। इसको चलाते हुए इसको छोड़ना नहीं है, जिससे हमारा तगार अच्छा बने। इसको चलाते रहना है। तो इसको हम बना लेते हैं। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है, इसको चलाते रहें, ये चिपके नहीं, चीनी बोतला ना हो। उसके लिए हम एक चम्मच, आधा चम्मच घी डाल देंगे इसमें, इससे चीनी हमारा चिपकेगा नहीं। इसको चलाते हुए हम तगार बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से होने लगेगा, जैसे लगेगा सूजी का हलवा है। तो इस तरह से आप इसे चलाते रहे, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। इसी टाइम में अगर छोड़ देंगे तो चिपक जाएगा, कढ़ाई में लग जाएगा। इस तरह से चलाते रहिए। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम चलाते रहेंगे जब तक ये ठंडा ना हो जाए थोड़ा। इस तरह से चलाते रहे, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। हाथ में दर्द हो जाएगा।
थोड़ा दर्द होता है हाथ में, लेकिन ऐसे चलाते रहिए। देखिए इस तरह से, देखिए कितना अच्छा तवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसे चलाते रहिएगा, नहीं तो ये पकड़ लेगा, फिर थोड़ा मेहनत लगेगा। देखिए अब इसे हम एक थाली में इसको हम पलट लेंगे और इसे इस तरह से ऐसे हम इसे हम थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको ऐसे इसको मैश कर लेंगे। हमने बुरादा बना तवा बना लिया है। अब हम बेसन को भूनेंगे, तो उसके लिए हम घी, कढ़ाई में घी डालते हैं। सब नहीं डालेंगे, कितना लगेगा धीरे धीरे डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे। तो ये बेसन एकदम लो कर दिए हैं फ्लेम को, और धीमी आंच लो फ्लेम पर इसको धीरे धीरे, जब तक ये भुना ना जाए अच्छा से। बेसन के लड्डू में यही तो देखना होता है कि बेसन को बहुत अच्छे से भुनना होता है, वो अगर कच्चा रह जाएगा तो लड्डू आपका बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इसका ध्यान रखें, एकदम लो फ्लेम रखें और इसे चलाते हुए भुनें। अब ये अच्छे से मिल गया है, इसी में हम इस सूजी डाल देते हैं, इसको भी इसी में डालकर हम भुनेंगे। नारियल का बुरादा को हम सूखा ही भुनेंगे सबसे लास्ट में, वो 2 से 3 मिनट में हो जाता है, इसलिए उसको हम अलग ही रखे हैं। हम बेसन और ये सूजी को अच्छे से भून लेंगे, एकदम फ्लेम को लो रखना है, ये ध्यान रखिए। ये जब भूनने लगेगा बेसन अच्छे से भूनने लगेगा, तो धीरे धीरे अपना घी जो छोड़ेगा, तो ये गुठला गुठला जो हुआ है ये अपने आप ठीक हो जाएगा भुनाएगा तो। तो इस तरह से हम चलाते हुए जब इसका अच्छा सौंधा सौंधा खुशबू आने लगेगा, अच्छा भूनने का एक अलग ही खुशबू आता है, तब तक इसे हम भुनेंगे चलाते हुए। तो देखिए हमें इसे भूनते हुए 4 से 5 मिनट हुआ है अभी, इसमें हम थोड़ा और घी डाल देते हैं। एक बार डालिएगा तो फिर भूनने में दिक्कत होगी, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब इसे हम चलाते हुए फिर भूनेंगे, जब तक भून ना जाए अच्छे से। तो हम चलाकर फिर भुनेंगे इसे, जब तक भुनाना चाहिए। तो देखिए भूनते हुए हमें इसे 10 से 12 मिनट लगा, ये अच्छे से भुन गया है। इसे अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो कढ़ाई गर्म है ये जल जाएगा। तो इसे थोड़ा ठंडा होने तक चलाते रहिए, छोड़ना नहीं है। उसके बाद हम अब नारियल का बुरादा को थोड़ा सा हल्का फ्राई करेंगे। तो इधर कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसे
नारियल के बुरादा को भी सूखा भून लेते हैं। हम सॉरी फ्राई फ्राई बोल रहे थे, फ्राई नहीं भूनना है। तो इसमें कोई घी नहीं डाल रहे हैं, इसको सूखा ही हम भून लेंगे। हल्का सा ये ब्राउन हो जाएगा तो इसे हम उतार लेंगे। तो इसे चलाते रहिए। तो देखिए हमारा नारियल का बुरादा भी भून गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अभी ठंडा हो जाएगा सब, तब हम लड्डू बनाएंगे। हमारा तगार भी तैयार हो गया और नारियल का बुरादा भी, और इधर हमारा बेसन भी और सूजी भी भून गया है अच्छे से। तब ये ठंडा हो जाए तब मिक्स। देखिए ठंडा हो गया है थोड़ा सा, एकदम पूरा ठंडा नहीं करना है। तो हम इसमें नारियल का बुरादा मिला दिए हैं। अब ये तगार मिला रहे हैं हम। मीठा देखिए अपने हिसाब से, जितना आपको मीठा अच्छा लगे उतना आप मीठा रख सकते हैं। हाथ छूने लायक हो, जलाना नहीं है हाथ को, थोड़ा गर्म है। गर्म है अभी, इसको इस तरह से आप अगर चाहें तो थोड़ा सा हरी वाली छोटी इलायची जो होती है उसका भी पाउडर थोड़ा सा मिक्स कर सकती हैं। हमने नहीं डाला है क्योंकि मेरे पास नहीं था। हाँ हम कोई ड्राई फ्रूट नहीं यूज करें, लेकिन काजू करेंगे। आप अगर चाहें तो इसमें किशमिश, काजू, बादाम डाल सकती हैं अपनी इच्छा से। अब इस तरह से हम मिक्स करके आपको जैसा चाहे वैसा लड्डू बना सकती हैं, छोटा बड़ा आपको दोनों हाथ से आप चाहें तो बना सकती हैं। गर्म है थोड़ा। ठंडा होने देते हैं। तो देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, और आप भी एक बार ज़रूर बनाकर खाएं। इसे हर किसी को पसंद आता है, बच्चा हो या बड़े हो। आप कोई भी ओकेशन पर, दिवाली हो या रक्षाबंधन हो, कोई भी त्यौहार पर इसे आप बनाकर सर्व कर सकती हैं, खिला सकती हैं, खा सकती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ आप लोगों से। तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें।